आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल। पन्ना होम नेटवर्क अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर पर ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें। घर पर ही रहकर हम इस कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ सकते हैं। शासन द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देश आपकी ही भलाई के लिए है। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं पन्ना कलेक्टर के निरीक्षण को लेकर। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया चेक पोस्टों का निरीक्षण। पन्ना कलेक्टर ने कहा, जिले के बाहर से आने वाले सभी लोगों की की जाए स्क्रीनिंग। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस दल निरंतर भ्रमण करे, पुलिस अधीक्षक ने कहा। जिले की उत्तर प्रदेश सीमा से लगे वाले चेक पोस्ट का कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा निर्देश दिए गए कि जिले की सीमा के बाहर से एवं अन्य राज्यों से आने वाले 100% लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। सभी की पूर्ण जानकारी पंजीबद्ध करने के साथ गूगल शीट पर दर्ज की जाए। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अनुभाग क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में निरंतर भ्रमण कर लोगों को समझाइश देने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवश्यक सूचना प्रसारित करें, जिससे लोग घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ अजयगढ़ अनुभाग के SDM, CO, BMO एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के साथ अंतर्राज्यीय पन्ना नागा, नरेनी, रामनई, नहरी, बरौली, चंदोरा आदि क्षेत्रों का भ्रमण कर क्षेत्र के सभी नाकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि जो भी श्रमिक अथवा अन्य लोग किसी भी रेड जोन से आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। रेड जोन से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वारंटाइन कराया जाए। ऐसे व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ अभ्युदय दल के सदस्यों के साथ खंड स्तर के चिकित्सक दल एवं पुलिस दल समय समय पर निगरानी रखें। इन लोगों को निर्देश दिए जाएं कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, बुखार आदि होने पर तत्काल चलित चिकित्सक इकाई में डॉक्टरों से अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले प्रत्येक गांव में सतत निगरानी रखी जाए। उत्तर प्रदेश की सीमा वाले जिन गाँवों में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाएँ उन गाँव की 3 किलोमीटर के दायरे वाले जिले के सभी ग्रामों को क्वारंटाइन करने के साथ सर्वे कर जिसमें भी सर्दी, खांसी, बुखार आदि के लक्षण दिखाई दें उनका अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को समझाइश दी जाए कि वे अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। इसके उपरांत अजयगढ़ पुलिस में पहुंचकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय लोगों एवं पत्रकारों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बाजार खुलने के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर शर्मा ने कहा कि जिन स्थानों पर मार्ग के दोनों ओर सघन दुकानें उन बाजारों में पृथक पृथक दिन दाहिने और बाहिने की तरफ दुकानें खोली जाएंगी। यदि बाजार में निर्देशानुसार शारीरिक दूरी, चेहरे पर कपड़े ढकने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दुकानदार की दुकान खोलने से रोक दिया जाएगा। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि आम जनता एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण समय समय पर कहीं भी धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों व छूट का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दी जाए जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर भ्रमण के दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी अजयगढ़ का निरीक्षण करने के साथ निर्देश दिए कि खरीदी गए माल का त्वरित परिवहन कर सुनिश्चित सुरक्षित भंडारण कराएं, बाहर ना निकलें। इसके उपरांत अजयगढ़ पुलिस में पहुंचकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय लोगों एवं पत्रकारों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बाजार खुलने के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर शर्मा ने कहा कि जिन स्थानों पर मार्ग के दोनों ओर सघन दुकानें उन बाजारों में पृथक पृथक दिन दाहिने और बाहिने की तरफ दुकानें खोली जाएंगी। यदि बाजार में निर्देशानुसार शारीरिक दूरी, चेहरे पर कपड़े ढकने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित दुकानदार की दुकान खोलने से रोक दिया जाएगा। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि आम जनता एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण समय समय पर कहीं भी धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों व छूट का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दी जाए जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर भ्रमण के दौरान उन्होंने कृषि उपज मंडी अजयगढ़ का निरीक्षण करने के साथ निर्देश दिए कि खरीदी गए माल का त्वरित परिवहन कर सुनिश्चित सुरक्षित भंडारण कराएं। ऑनलाइन ठगी के बचाव के लिए पुलिस ने जारी किए निर्देश। सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार ठगी होने का मामले आ रहे सामने। जिले में सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर ठगी करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज पन्ना पुलिस द्वारा लोगों से इस तरह की ठगी से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सलाह व निर्देश दिए गए। पुलिस ने बताया कि इस समय ऑनलाइन ठगी करने वाले बहुत सारे अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। विगत कुछ दिनों से अपने पन्ना जिले में भी कई लोग इस प्रकार ठगी का शिकार हो चुके हैं।
ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह द्वारा इस समय जिले में किए गए ठगी के तरीके कई प्रकार के हैं, जिससे प्रमुख हैं कि किसी भी व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट हैक करके उस व्यक्ति के दोस्तों एवं रिश्तेदारों से बीमारी का बहाना बनाकर मैसेंजर के माध्यम से पैसे मांगना, व्हाट्सएप के माध्यम से कौन बनेगा करोड़पति से होना बताकर व्हाट्सएप पर बात करके एवं कौन बनेगा करोड़पति की इमेज लगाकर लोगों को पैसा जीतने का लालच देकर फर्जी चेक की फ़ोटो दिखाकर लोगों से ठगी करना। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए हम लोग सतर्क रहने के साथ साथ निम्न उपाय को अपनाकर इस ठगी से बच सकते हैं। पुलिस का कहना है कि फेसबुक आईडी बनाते समय हमें एक मजबूत पासवर्ड रखने की ज़रूरत है। व्हाट्सएप पर किसी भी ऐसी लिंक को टच नहीं करना है जिसके बारे में जानकारी ना हो। साथ ही किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए। किसी भी तरह की साइबर क्राइम की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम बनना के इन नंबरों पर देने को भी कहा गया है। तहसीलदार के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन का देवी नगर कस्बा में फ्लैग मार्च 8-1 फार्मूला के तहत खुलेंगी सभी नगर की दुकानें। तहसीलदार के साथ राजस्व पुलिस बल व नगरीय निकाय का अमला रहा मौजूद। पन्ना जिले के तहसील देवी नगर में कलेक्टर पन्ना करमवीर शर्मा द्वारा जिले में धारा 144 को 6 मई से प्रभावशील रखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है, जिसे पूर्ण रूप से पालन कराने हेतु देवेंद्रनगर तहसीलदार दिव्या जैन के नेतृत्व में कस्बे में पुलिस बल के सहयोग से फ्लैग मार्च निकाला गया और सभी दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पूरे जिले के साथ साथ तहसील क्षेत्र में भी ऑड एंड ऑड फार्मूला लेफ्ट व राइट के साथ दुकानें खोलने के लिए कहा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पन्ना जिले में एक पॉजिटिव केस आने से कलेक्टर पन्ना द्वारा सावधानी बरती जा रही है। नए आदेश के अनुसार सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोली जा सकेंगी एवं शाम 7 बजे से 7 बजे तक आवागमन बंद होगा। फ्लैग मार्च में तहसीलदार देवेंद्रनगर के साथ डीके सिंह थाना प्रभारी, मृत्युंजय जय सिंह बिंदेला उपयंत्री राजस्व पुलिस बल के साथ नगरीय निकाय का अमला मौजूद रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानदार पालन करवाएंगे। बिना मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति आता है तो सामान नहीं देंगे। मास्क लगाएंगे। देवनगर में मिष्ठान भंडारों की सघन जांच कर नष्ट कराई गई पुरानी मिठाई। तहसील देवेंद्रनगर में कलेक्टर पन्ना के द्वारा जिले में धारा 144 को 6 मई से प्रभावशील रखते हुए 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। वहीं तहसीलदार देवेंद्रनगर दिव्या जैन व खाद्य अधिकारी नीतू खरे द्वारा कस्बे की मिष्ठान की दुकानों का सघन जांच की गई। नगर की समस्त दुकानों को खुलवाकर उनमें रखे पुराने मिष्ठान को नष्ट किया गया। साथ ही मिष्ठान भंडार दुकानदारों को यह हिदायत दी गई कि कोई भी पुराना मीठा न बेचे और न ही मिष्ठान भंडार खोले जाए। देवीनगर तहसील दिव्या जैन का कहना है कि पुलिस, खाद्य विभाग और नगरपालिका की संयुक्त टीम के द्वारा मिष्ठान की दुकानों को खुलवाकर उनकी जांच पड़ताल की गई है और नष्ट करवाया गया है, ताकि दुकानदारों के द्वारा खराब मिष्ठान ना बेचा जा सके और इसे खाकर कोई भी बीमार ना हो। इस कार्रवाई में दिव्या जैन तहसीलदार, नीतू खरे फूड इंस्पेक्टर, MS बुंदेला उपयंत्री राकेश सिंह बघेल, ASI प्रभाशंकर उपाध्याय, स्वास्थ्य निरीक्षक राम प्रकाश शर्मा, पटवारी जीतेन तोमर सहित अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। आप सभी को जैसे पूरे पता है कि COVID-19 महामारी का प्रकोप हमारे देश में लगातार है अभी, तो जिसका जो थर्ड चरण का जो लॉकडाउन है उसके लिए कल कलेक्टर महोदय के द्वारा धारा 144 के तहत संशोधित आदेश किया गया था। उस आदेश के परिपालन में आज पुलिस, नगर पालिका एवं राजस्व विभाग के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया था। लोगों को समझाया गया, उन व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि एक दिन छोड़ एक जो नियम बनाए गए हैं कि एक दिन एक साइड की दुकान खुलेंगी, उसके पश्चात दूसरे दिन दूसरे साइड की, और रोटेशन में ये कार्य चलेगा, इसकी समझाइश थी। क्या दुकानदारों ने इस तरह का नियम मान लिया गया है? आज के सुबह के बाद अभी तक तो जो लोगों का हमारे समझाने के प्रति जो उनका पालन है वो दिख रहा है। लोगों के द्वारा दुकानें बंद रखी जा रही हैं,
अभी तक तो पूर्णतः उनके द्वारा पालन किया जा रहा है। दो तीन दिन से मेरे पास शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि ये जो मिष्ठान भंडार के लोग हैं ये समोसे मिठाई ये सब वगैरह विक्रय करते हैं, क्योंकि अभी जिले में धारा 144 लागू हुए तो अभी इन सब के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध है, जिसके चलते आज फूड विभाग नगर पालिका पुलिस के साथ संयुक्त रूप से सभी दुकानों पर कार्रवाई की गई, जिसके यहाँ जो भी वस्तु पाई गई जो कि ख़राब थी उन सभी को फेंकवाया गया, नष्ट कराया गया और उनको हिदायत दी गई कि आज से तत्काल रूप से उनसे बोला गया कि आप कभी भी अब विक्रय नहीं करेंगे, अगर आप विक्रय करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 786 लोग आज पहुँचे पन्ना, स्क्रीनिंग कर किया गया होम आइसोलेट। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल के तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्यवाहियां जारी हैं। इनमें विदेश से आए 8 लोगों को पूर्व से ही कम्युनिट के किया गया था। इन सभी यात्रियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण हो चुका है। अन्य राज्यों एवं जिलों से 6 मई को आए 786 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस प्रकार बाहर से आए कुल 18,125 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले के 786 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। जिले में अब तक 18,125 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें आज दिनांक को 786 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अब तक जिले में कुल 12,287 व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जिसमें 6,469 व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन पूर्ण किया गया है। हॉस्पिटल आइसोलेशन में एक मरीज भर्ती है। अब तक 234 नमूने लिए गए हैं। कोरोना वायरस सैंपल रिपोर्ट में एक व्यक्ति पॉजिटिव तथा 218 नमूने नेगेटिव पाए गए तथा 11 सैंपल रिपोर्ट अप्राप्त हैं। पैथोलॉजी द्वारा 4 सैंपल को रिजेक्ट किया गया है। कुल सर्वे कंटेनमेंट एरिया 1 घोषित किया है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन व्यक्ति के परामर्श हेतु जिला चिकित्सालय में टेली मेडिसिन सेंटर स्थापित है। नवोदय विद्यालय के बच्चे पहुँचे अपने घर। जिला प्रशासन से लेकर राजनेताओं ने निभाई भूमिका। जवाहर नवोदय विद्यालय के 24 छात्राएं तेलंगा प्रदेश की नारकोंडा जिले में फंसे होने के मामले को PHN द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। जिला प्रशासन ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और वहां फंसे बच्चे आज पन्ना पहुंचे। बताया जाता है कि पन्ना जिले के 24 छात्राओं को COVID-19 महामारी संकट के दौरान उन्हें घर वापसी के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किए गए। कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा नारकोंडा जिले के कलेक्टर से दूरभाष के माध्यम से संपर्क स्थापित कर बच्चों के घर वापसी के प्रयास सफल हुए। सभी 24 छात्र छात्राएं पन्ना जिला मुख्यालय पहुंचे। इन सभी बच्चों का जिले मुख्यालय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। सभी बच्चों के अभिभावकों को पूर्व से सूचना दी गई थी कि उनके बच्चे भारतीय स्टेट बैंक के ग्रामीण सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र पर शाम को पहुंचेंगे। निर्धारित तिथि 5 मई की शाम को सभी बच्चे यहां पहुंचे। इन सभी बच्चों के भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था यहां की गई थी। स्वास्थ्य परीक्षण होने के उपरांत कलेक्टर शर्मा ने मौके पर आए उनके अभिभावकों से चर्चा की और उन्हें सलाह दी कि अपने बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यदि किसी अभिभावक के पास जाने के लिए साधन नहीं है तो जिला प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था की गई, उसका उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने उनके अभिभावकों को निर्देश दिए कि इन बच्चों को घर पर ही होम क्वारंटाइन किया जाएगा। बच्चों को घर पर रखें, घर से बाहर कहीं भी न जाने दें। हर समय बच्चों की निगरानी रखें। किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर तुरंत जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष 07732252009 पर सूचित करें, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। सर, लंबे प्रयास के बाद नवोदय के बच्चे घर लौट आए हैं, कैसे प्रयास किए गए इन सब चीजों को लेकर? यहाँ की जनमत की मांग के आधार पर माननीय सांसद महोदय ने प्रयास किए थे और उन्हीं के निर्देशानुसार वहाँ के कलेक्टर नारकोंडा के कलेक्टर से हमारी बात हुई थी और उसी के साथ टाइप करके और ये बस के माध्यम से आज आए हैं। अभी मेडिकल चेकअप चल रहा है और इनको होम आइसोलेशन कराया जा रहा है और साथ में इनको निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो घर में ही रहें, बाहर न जाएं। परिवार के जो सदस्य आए हैं, माँ बाप आए हैं, उनको भी समझ। थैंक यू। यातायात पुलिस द्वारा 112 वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई संपूर्ण। भारत देश में चल रही COVID-19 कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर करमवीर शर्मा द्वारा जिले में धारा 144 लागू की गई है तथा संपूर्ण देश में 17 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DKS परिहार एवं रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल के निर्देशानुसार
थाना प्रभारी यातायात नीतू ठाकुर द्वारा शहर की जनता व दुकानदारों को प्रदेश में निरंतर बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए कोरोना महामारी से बचने की समझाए दी जा रही है। वह सभी दुकानदारों को भी एक सुनिश्चित दूरी बनाए रखने हेतु समझाए दी जा रही है। समझाइश देने के बावजूद भी जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना किसी कारण के घर से बाहर घूमते पाए जाने वाले 112 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 30,750 रुपये समन शुल्क वसूल कर 51 वाहन का चालन के लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की गई है। कस्बा के दौरान वाहन क्रमांक MP35MH9382 के चालक लखन कुशवाहा को रोककर चेक किया गया, जो शराब के नशे में वाहन चलाता पाया गया था, जिसके विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान हमराह बल अमोद तिवारी, सज्जन प्रसाद, सुनील पांडे, उमाशंकर सिंह, ज्ञान सिंह, दिलीप उइके, नंदकिशोर, मुकेश बघेल, पवन तिवारी, रितेश कुशवाहा, रामबाबू एवं चालक सत्येंद्र सिंह मौजूद रहे। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर नहीं किया जा रहा सरकार के नियमों का पालन, जमकर उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। जिले में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिलने से जहां पन्ना जिले में प्रशासन अलर्ट है और पुलिस प्रशासन तहसीलदार लगातार नगर का भ्रमण कर लोगों को समझाए दे रहे हैं कि जितना ही हो सके उतना ही घर पर रहें, घर से बाहर न निकलें, घर निकलते समय अपना मुंह ढककर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो वहीं दूसरी ओर अमानगंज के अधरकुआं मोड़ पर स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान अमानगंज में ग्रामीण सहित खाद्यान्न विक्रेता मेहनत करने वाले कोरोना योद्धाओं के मंसूबों पर पानी फेरने पर आमदा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में रत्ती भर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और ना ही प्रशासन के भय से किसी प्रकार के एहतियात बरतने के लिए कहा गया, जिससे खाद्यान्न लेने वाले उपभोक्ता सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते रहे एवं भीड़ लगाकर आपस में घिसते हुए खाद्यान्न लेते रहे और सरकार के आदेशों का माखोल उड़ाते रहे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा मंडराता रहा है। वहीं जब खाद्यान्न विक्रेता से इस विषय में बात की तो उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कह रहे हैं, मगर लोग नहीं मान रहे हैं और हमने लिखित में पुलिस प्रशासन से कहा था मगर कोई नहीं आया। तो वहीं जब PHN संवाददाता रविंद्र शर्मा ने तहसीलदार संध्या अग्रवाल से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम अभी पुलिस को भेजकर हटवाते हैं एवं फिर भी लापरवाही बरती जाती है तो तुरंत कार्रवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अमानगंज से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कौन सी दुकान कहा और कौन कौन बांट के गल्ला वितरण किया जा रहा है? उपभोक्ता सहकारी भंडार अमानगंज, वार्ड नंबर 11-15 का गल्ला वितरण किया जा रहा है। अब आज कौन तारीख है और कितने दिन तक दुकान खुली रही? आज 4 तारीख है। हाँ, और 20 तारीख तक खुली रहती है। अभी चारों दिन खुली रही। हाँ। लगभग कितने लोग गल्ला ले जा चुके होंगे? अभी 250 के आसपास, 251 गांव लोग। आज देखा जा रहा है कि सुबह से भीड़ है यहाँ पर, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ लोग मुँह में मास्क वास्क कुछ भी लगा के नहीं आए, सैनिटाइज रखा हुआ है, टेबल पर शोपीस बना हुआ है, बाकी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह है? दिया जा रहा है, जो लोग बहुत लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते, मना कर देते हैं। कौन मना कर रहा? कोई तो मना नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, सब लोग यहाँ पास नहीं बुला रहे ना, सेल्समैन की फिंगर से गल्ला नहीं कर रहा है, सब बाहर दिया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नहीं नहीं, सबसे बोल दिया है, दूर दूर खड़े हैं सब लोग। नहीं, यहाँ आपने पर देखा गया है कि सभी लोग पास पास खड़े थे, तो एक आध दो लोग हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आ रहा है कि बोरी की बोरी जा रही है गल्ले की। उनका खाद्यान्न है ना, CST के लोग। नहीं तो बोरी भी जाने जा सकती है क्या साथ में? नहीं, बोरी अपन पलट के दे देते हैं उसको, पलट के दे देते हैं। अच्छा, सोशल डिस्टेंस को लेकर आपका क्या मतलब, जैसे कि ग्रामीण एरिया से आते हैं कुछ लोग जैसे आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को समझाइश दी जा रही है कोरोना के लिए? 10-10 बार समझाइश दी जा रही है कि आप दूर हो जाइए। हाँ, फिर भी लोग ऐसा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन। हाँ, कुछ लोग कर देते हैं आगे। तो क्या ऐसे पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, लोगों पर और दुकानदार पर? हाँ, तो होना चाहिए। हमने थाने में जाके सूचना दी थी जी, कि पुलिस यहाँ आके खड़ी हो जाए। हाँ, सूचना की पावती भी हमारे पास, नहीं मार रहे, पुलिस भी नहीं आई। धन्यवाद। ग्रामीण महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लगाया आरोप। पोषण आहार वितरित करते समय हितग्राहियों को लगातार किया जा रहा जरूरी। तहसीलदार तहसील देवीनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीगंज पुरवा के अंतर्गत आंगनबाड़ी सह आरोग्य केंद्र कोड़न पुरवा में सांख्यिकी बाई कुशवाहा द्वारा चलाए जा रहे समूह द्वारा सरकार की योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। ग्रामों में पोषण आहार का वितरण जब शून्य पर था, तब लगभग एक माह पूर्व जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता कुशवाहा से बात की, तब उसने खुलकर इस बात की पुष्टि की कि समूह द्वारा 10% भी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो हम क्या करें, कैसे बांटें, जिसकी खबर हमने एक माह पूर्व भी प्रकाशित की थी, तब अधिकारियों के कान खड़े हुए आनन फानन वितरण की खाना पूर्ति की जाने लगी।
लेकिन आज एक माह बाद भी अधिकारियों की सह पर वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वह ग्रामीण महिलाओं की आवाज़ को दबाना चाह रही है। वहीं महिलाओं द्वारा आरोप यह भी लगाया गया है कि यदि हम कहते हैं इतना सा देती हैं आप और दो तो उनके द्वारा डांटा जाता है। कहा जाता है कि हमें शासन से कुछ भी नहीं मिलता, मैं अपने से इतना दे रही हूँ। वजह जो भी हो, आज वह ग्रामीणों को एक सप्ताह का आधा अधूरा पोषण आहार देकर बलपूर्वक एक माह के पोषण आहार पर हस्ताक्षर करवाने का भरकस दबाव बनाती है। 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार की जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है उसमें व्यापक अनियमितता देखने को मिल रही है। आधी अधूरी सामग्री बांटने पर जब कोई ग्रामवासी सवाल उठाता है तो उसका कहना है कि सरकार से कुछ भी नहीं आता, हम अपने पैसों से वितरण कर रहे हैं, जितना मिलता है चुपचाप लेना है तो ले लो, अन्यथा ये भी नहीं मिलेगा। जिससे शिकायत करनी है कर दो। उक्ताशय की जानकारी पन्ना को भी उपलब्ध कराई गई है, परंतु इस तरह की बातें करने का दुस्साहस बगैर किसी के सह से प्रभावित संभावित प्रतीत नहीं होता। जिले में बैठे उच्चाधिकारियों को तत्काल पूरे मामले की जांच करवा कर सभी दोषियों को बेनकाब कर दंडित करना चाहिए। जबकि सरकार द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को एक सप्ताह में 1200 ग्राम पर एवं गर्भवती महिलाओं को 1.5 किलो पोषण आहार के बदले केवल 150 ग्राम के 4 बदबूदार लड्डू जबरदस्ती देने का प्रयास करते हैं, जिससे 90% ग्रामीणों द्वारा फेंक दिया जाता है। शेष बचे 10% जो उन्हें खाते हैं वे बीमार पड़ने की शिकायत कर रहे हैं, जिसके पक्के सबूत हमारे संवाददाता द्वारा एकत्रित किए गए। सवाल ये उठता है, जिस जिले के कलेक्टर एक तरफा जिस विषय पर सबसे ज़्यादा संजीदा हो उसी विभाग के अधिकारी लॉकडाउन का फ़ायदा अपने कलेक्टर की मंशा में ही फंदा डाल रहे हैं। हमें जैसे कुछ को है तो कह देती हैं, अब जैसे लड्डू बांटर बांटते ही हैं तो 3-3 रस्कर करवाती हैं, देती हैं तो मैंने कह दिया कि जैसे 3 करवाती हैं तो और दिया तो फिर मतलब दायन बाद में फिर कहती हैं तुम कानून करते हो, हम घाम में बागी थे तो कैसे बागी थे, क्या तुम नहीं सोच सकती हो कि कह दिया कि इतना बाग है, बहुत मनाई कह दिया था कि होगा वहाँ ना आवा तो तुम है तो तुम्हें तो लगा था घाम में घर घर दे, तो हम कहो कि ना दे, हम कौन कही था कि हाँ तुम घाम में बाग वही करा, आ जाओ है तो आ जाओ, नहीं दे गई ना ही आ जाओ, तो जाने के भर दे गई हैं लड्डू बस 3-3 छज्जा आंगनबाड़ी में मिला थे लड्डू, अब 2 हफ्ता से दाया था दे बनी थी कितने बड़े बड़े, अरे थोड़ी थोड़ी 50-50 ग्राम मिलो है, मूंगफली के कौन ही हमें मिले यहाँ फूटा मिले हैं बस, और पानी में मिर्च के बना के देती लड़कन खा जाए। क्या क्या होता है, समस्या क्या होती है खाने से? अरे महका से पेट भर भरा थे, क्या हाँ खराब दे रही है। कितने दिन में देते हैं? 8 दिन सूखा पिसान और कुछ? कुछ नहीं, और कहती है कि ऊपर से हम अपना दाई लड्डू देती हैं, अब पेट भर आता है खाए से, अब ये लड्डू खाए से। और क्या मिलता है इसके अलावा? मैं किसान क्या बनाती हैं, कुछ नहीं देती इसके अलावा। क्या बोलते हैं अगर आप लोग कहते हैं? वो डांटती भला है। क्या बोलते हैं? घर से दे बोलती है, बोले हैं शासन से आ रहा है तो बोलती हैं हम घर से दे रहे हैं, नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? गाँव कौन सा आपका? शराब दुकानों का निरीक्षण करने पहुंचे आबकारी निरीक्षक मुकेश पांडे। लॉकडाउन में ढील मिलते हैं, जहां खरीदी करने लोग घरों से निकल रहे हैं तो वहीं शराब की दुकानों पर भी भीड़ देखी जा रही है, जिसको लेकर पन्ना कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम भी लगातार भ्रमण कर दुकानें चेक कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ग्राहक एवं दुकानदार को हिदायत दे रही है, जिसमें आज अमानगंज दुकान पर आबकारी विभाग निरीक्षक मुकेश पांडे द्वारा अमानगंज का भ्रमण कर देसी एवं विदेशी दुकानों पर निरीक्षण किया। साथ ही हिदायत दी गई कि लोगों को डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए गोले बनाएं एवं दुकान 8:30 से 7 बजे तक खोली जाएगी। वहीं मुकेश पांडे ने बताया कि हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, साथ ही हमारी नज़र उन लोगों पर जिनकी शिकायत आ रही है कि अवैध रूप से गांव स्तर पर शराब की कालाबाजारी कर रहे, जिनको रंगे हाथ पकड़कर कार्रवाई की जाए।
सर निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कैसा निरीक्षण किया जा रहा है? आज से शासन के आदेश अनुसार सभी मदिरा दुकानें खोली गई हैं, तो मदिरा दुकानों का निरीक्षण करके शासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जा रही है, दुकानों के बाहर साबुन से हाथ और हैंडवाश से हाथ धोने की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, उनका जो है स्टाफ निरीक्षण किया जा रहा है, यही सभी प्रक्रियाएँ जो शासन के निर्देश अनुसार उनका पालन कराया जा रहा है। सर कुछ दुकानें बंद हैं मानगंज में, और क्या वजह से? कुछ ठेकेदार जो हाईकोर्ट गए थे अपनी कुछ समस्याएं लेके, तो आज माननीय हाईकोर्ट के निर्देश आ गए हैं और दुकानें खुल गई हैं। अब पन्ना जिले में लगभग सभी दुकानें खुली हुई हैं। अगर सर निर्देशों की अवहेलना की जाएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, धन्यवाद। तीन यात्री बसों पर हुई कार्रवाई। यात्री बस चालकों द्वारा सूरत गुजरात से आए प्रवासी मजदूरों से लिया गया मनमाना किराया। तहसीलदार ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखकर तीनों बसों की जब्ती कर कार्रवाई की। मजदूरों को बस के माध्यम से अभी गांव छुड़ाने की बात कही। पूरे भारतवर्ष में कोरोना का संकट छाया हुआ है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गृह ग्राम में छोड़ने के निर्देश जारी किए गए, किंतु कुछ लोग हैं जो इसका भी लाभ उठा रहे हैं व इस संकट के समय में मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं। ऐसा ही मामला देखने को मिला जब तीन यात्री बसें दमोह मार्ग से सिमरिया चेकपोस्ट पर पहुंची। जिन यात्री बसों में पन्ना जिले के 25 प्रवासी मजदूर तथा 126 सतना व रीवा जिले के प्रवासी मजदूर बैठे थे, उन मजदूरों से यात्री बसों के संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूला गया, जिसकी शिकायत मजदूरों ने तहसीलदार सिमरिया प्रेम नारायण सिंह से की है। प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि ये मजदूर हजीरा सूरत से आए हुए थे, जिनसे बस संचालकों द्वारा मनमाने रूप से किराया वसूला गया है, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को की जा चुकी है और इन तीनों ही यात्री बसों पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ये सभी मजदूर हजीरा सूरत से आए हुए हैं और तीन बसें हैं, इनको कलेक्टर की परमिशन मिली हुई है। कुछ 38 मजदूर अपने पन्ना के हैं और 126 सवारी सतना और रीवा की हैं। ये सब मजदूरों से उनके बयान लिए गए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि 2800, 2700, 3000 रुपये पर सवारी इनने वसूला है और इस तरह से ये सवारियों से मनमाने दाम पे पैसा लेकर के और सवारी लाए हैं, और इसके लिए वरिष्ठ न्यायालय को कलेक्टर महोदय को भी सूचना दे दी गई है और इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, बसें जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 3 में भी जिम, स्पोर्ट्स क्लब आदि सब खोलने की मनाही है। ऐसे में पन्ना हेल्थ क्लब द्वारा ऑनलाइन जिम ट्रेनिंग दी जा रही है। जूम ऐप या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। लॉकडाउन में घर पर ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम एक्सरसाइज कर सकते हैं। Thank you.